गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पी के सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th NCERT केमिस्ट्री। और ये है लेक्चर नंबर 5, चैप्टर का नाम मैटर इस मैटर अराउंड अस प्योर। और इससे पहले हम इस चैप्टर में फोर लेक्चर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सो फार, सो यू कैन सी आवर आई बटन फॉर द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सेपरेटिंग मेथड्स, सेपरेशन के जो मेथड्स होते हैं। पहली बात यह है कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी जो सब्सटेंसेज हैं, कोई भी प्योर सब्सटेंसेज है, जैसे मान लीजिए आपके पास राइस है और राइस के साथ आपके पास पल्सेस हैं, दाल। तो क्या हुआ कि बाई मिस्टेक आपने क्या कर दिया, राइस और दाल को मिक्स कर दिया, या हो गई बाई मिस्टेक हो गई। अब राइस और दाल को अगर आप मिक्स कर दोगे और इनको अगर अलग अलग नहीं करोगे, सेपरेट नहीं करोगे, और उनको अगर आप कुकिंग के लिए यूज़ करोगे, तो दाल न तो दाल बनेगी न राइस बनेगा, क्या बनेगा, खिचड़ी बनेगी। ठीक है, तो खिचड़ी डेली की डेली तो हम खा नहीं सकते ना, तो इसलिए राइस और जो पल्सेज हैं उनको सेपरेट करना ज़रूरी है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए वाटर है आपके पास और वाटर के अंदर ऑयल गिर गया या ऑयल में वाटर गिर गया, तो उनको भी अब सेपरेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पुरानी क्लासेज हैं आपकी, क्लासेज 6 और 7 में आपने शायद कहीं पढ़ा होगा कि कुछ मेथड्स हमने याद है हमें कुछ मेथड्स जिनको हम फिज़िकल मेथड्स बोलते हैं। एक तो होता है केमिकल मेथड्स, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम, और एक होता है फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो जो फिजिकल मेथड्स होते हैं या फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं, जैसे हम अगर पार्टिकुलर फिजिकल मेथड्स की बात करें, तो इसमें आपके फिजिकल मेथड्स में आता है जैसे हैंड पिकिंग का मतलब सिंपल सा है, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए राइस को या दाल जो होती है उनको अगर आपको क्लीन करना होता है, क्लीन करने का मतलब होता है उसमें से कोई इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज जो हमें आंखों से दिखती है उसको हम सिंपली हैंड पिकिंग वाला जो मेथड होता है वो अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन बहुत सारी चीज़ों को ले लेते हैं, और उसके बाद में जो है जो बड़ी साइज की जो लार्जेस्ट साइज की जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हम हाथ से हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करके हुए हटा देते हैं। ठीक है, तो एक तो था आपका हैंड पिकिंग मेथड जो आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। एक आता है सीविंग का मेथड, सीविंग का मतलब होता है सिंपल सा छानना, सीविंग। और ये जो सीविंग होती है इसके लिए जो काम में लेते हैं उसको स्ट्रेनर बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं जिसको छानने के लिए। और एक और मेथड आता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। कल में जो मेरा जो लास्ट वाला वीडियो जब देखा था मैंने, तो उसमें शायद मैंने कहीं गलती से स्पेलिंग इसका गलत लिख दिया था, तो गलती हो गई थी एक्चुअली। ठीक है, जानबूझ के नहीं हुई थी, गलती हो गई थी। तो फिल्ट्रेशन का स्पेलिंग जो है वो FILTRATION, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सब मेथड्स थे, ये हमने अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इनको। ठीक है, लेकिन हमेशा ये सभी मेथड्स यूज़फुल नहीं होते हैं, इसका मीनिंग हमें कुछ और मेथड्स भी स्टडी करने होंगे, हमें कुछ और मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कुछ नए मेथड्स जो डिवाइस्ड किए गए हैं बाय साइंटिस्ट्स, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं में से हम फर्स्ट जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं, और उसको हम पढ़ेंगे 2.3.1 विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इसको लर्न करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हाउ टू सेपरेट डाई, डाई मीन्स कलरिंग एजेंट, कलरिंग सब्सटेंस, डाई फ्रॉम इंक। इंक सभी जानते हैं जो अपना पेन होता है जिसके हेल्प से हम लिखते हैं, तो उसके अंदर जो इंक होती है, उस इंक के अंदर क्या होता है, इंक क्या है, एक मिक्सचर है,
और इंक जो है उसके अंदर जो ये डाई होता है, डाई को मतलब डाई क्या है, ये कलरिंग सब्सटेंस है कोई, कलर्ड या कलरिंग, कोई कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये कलर्ड सब्सटेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और इसको हमें सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। इसको कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो कलरिंग सब्सटेंस है उस कलरिंग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, जो आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो देखिए, एक बीकर लेते हैं, बीकर तो सभी ने देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर बीकर का, ठीक है। और उस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं, बीकर के अंदर क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। और उसके बाद में इस बीकर को क्या करते हैं हम, एक ट्राइपोड स्टैंड जो होता है, ट्राइपोड स्टैंड, उस ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर, ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर इसको रख देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर गॉज। वायर गोज क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वायर गोज, वायर गोज कुछ नहीं है, एक नेट का, एक आयरन की जो वायर्स होते हैं उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है और उसको हम हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो स्ट्रक्चर है, जो भी ये मटेरियल है, इसको हम वायर गोज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हीट करने के लिए हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, इसलिए इसको रख देते हैं इसमें, वायर गोज, ठीक है। और उस वायर गोज के जस्ट नीचे जो है वो है आपका ट्राइपोड स्टैंड, ट्राइपोड स्टैंड, ये वायर गोज जो है वो ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर है एक्चुअली, ठीक है। तो वायर गोज जो है उसके ऊपर ये है आपका ट्राइपोड स्टैंड, ध्यान रखना ट्राइपोड स्टैंड के जो दो तीन लेग्स होते हैं वो तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। ये तीसरा स्टैंड का जो लेग है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। और इसके नीचे जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम बर्नर लगा देते हैं, ठीक है, बर्नर। और उस बर्नर से क्या होता है, जो हमारा बीकर है उस बीकर के अंदर जो वाटर है वो हीट होगा, वाटर हीट होगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक डिश, चाइना डिश लेते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं और उस चाइना डिश के अंदर जो हमारा इंक वाला जो मटेरियल है, उस इंक वाले मटेरियल को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। उसको जो हमारा ये बीकर है, बीकर के ऊपर रखना है, ध्यान रखना बीकर के ऊपर, ये तो है बीकर, बीकर, और बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, और ऊपर जो है ये है इंक, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं चाइना डिश, चाइना डिश, चाइना डिश। ऐसा नहीं है कि सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट चाइना डिश, इट इज़ वॉच ग्लास, वॉच ग्लास, चाइना डिश को यूज़ नहीं करेंगे, वॉच ग्लास, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वायर गोज, वायर गोज। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड, दिस इज कॉल्ड ट्राइपोड स्टैंड, ट्राइपोड स्टैंड। और ये जो है इसको हम बोलते हैं बर्नर, बर्नर। इतने सारे स्ट्रक्चर्स, इतने सारे इसमें अपरेटस में यूज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ देर बाद में आप देखते हैं कि यहाँ से ये जो आपका वॉच ग्लास के अंदर जो इंक रखा हुआ है, यहाँ से कुछ वेपर्स बाहर निकलती है, कुछ वेपर्स बाहर निकलती है। अब क्वेश्चन ये है कि वेपर कहाँ से आ गया, तो हमने हीट किया इसको, किसको, वाटर को, वाटर के हीट करने से वाटर की वेपर बनी, वाटर की वेपर जब ऊपर की तरफ जाती है तो जो चाइना इसमें वॉच ग्लास के अंदर जो रखा हुआ इंक है उस इंक को हीट करती है, ठीक है। और जो इंक है उस इंक के अंदर, उस इंक के अंदर जो वाटर वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट,
वाटर वाला जो पार्ट है वो भी क्या होता है, हीट होता है, और वो जो हीट होता है तो उसका भी क्या होता है, वाटर का जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा धीरे धीरे सारा वाटर इसका वेपराइज हो जाएगा, सारा वाटर इसका वेपराइज हो जाएगा, और जो पीछे आपको बचेगा मीन्स जो अपनी वॉच ग्लास है, उस वॉच ग्लास के अंदर जो चीज़ बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, सिंपल सा है लॉजिक कि अब उसके ऊपर यानी ये जो वॉच ग्लास है इसके ऊपर जो बच गया है रेसिड्यू, जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, रिमेंस, ठीक है, वो जो रिमेंस है या जो रेसिड्यू है वही तो क्या है, इंक का बचा हुआ पार्ट है, और उसी को हम बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं, डाई। तो डाई क्या है, डाई एक कॉम्पोनेंट है इंक का। व्हाट इज़ अ डाई, डाई इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ इंक, ठीक है। और अगर एक कॉम्पोनेंट इंक है तो दूसरा कॉम्पोनेंट क्या था, वाटर था, क्या था, वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि यहाँ पर ये जो हमने मेथड यूज़ किया है, इस मेथड का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का नाम है इवापोरेशन, इवापोरेशन। और इस इवापोरेशन मेथड का यूज हम कब करेंगे, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब हम इवापोरेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो देखिए सिंपल सा है, आपके पास दो कंपोनेंट होने चाहिए, अगर एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है। अब ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या भला है, तो देखते हैं अभी इनकी बात करते हैं। देखिए वॉलेटाइल का मीनिंग होता है जिसको जल्दी से मीन्स जिसका वेपर जल्दी से बन जाए, जिसका वेपर जल्दी से बन जाए तो उसको हम बोलेंगे वॉलेटाइल, और जिसका वेपर जल्दी से ना बने। अब यहाँ जल्दी का मतलब क्या है, जल्दी का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड है, कभी ना कभी तो इसका भी वेपर बनेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर जब वेपर बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो इतना टेम्परेचर जो है वो इसकी हेल्प से हम नहीं कर सकते प्रोड्यूस, ठीक है। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो इनकी हेल्प से जो मिक्सचर बनता है, इनकी हेल्प से जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर का आइसोलेशन कैसे करते हैं, उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसका आइसोलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है इवापोरेशन, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट कि क्या मीनिंग है, इवापोरेशन क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये सब बातें करेंगे हम इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए पहली बात कि इसका यूज़ कब करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जो रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा, डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस वाटर से लाइटर है यानी कि हल्का है, या हेवियर है यानी कि भारी है। अगर कोई सब्सटेंस वाटर से हेवियर है तो इसका मीनिंग यह है कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, वाटर के साथ ही हम क्यों कंपेरिजन करते हैं, वाटर इजीली अवेलेबल है, दैट इज़ वाई। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम, ग्राम के अंदर जी नहीं है, एम नहीं आता है, और ये है एल। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। और वाटर को ही क्यों यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज इट इज़ ईजीली अवेलेबल, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि इसकी हेल्प से हम
इसकी हेल्प से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको जो एपरेटस या जो मशीन चाहिए उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, और ये जो मशीन है ये जनरली केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होती है, हमारे यहाँ पे भी होगी। और ये जो मशीन है उसमें क्या करते हैं, चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से यूज़ करते हैं, एक एक्टिविटी की हेल्प से करते हैं। क्या करना है आपको, जो मिल्क होता है उस मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है। क्रीम क्या होता है भाई, मलाई। क्रीम इसको सेपरेट करना है फ्रॉम मिल्क, मिल्क के अंदर जो क्रीम है उसको सेपरेट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं इसके लिए दिखाएंगे आपको अभी, मेथड देखना, इसको जो क्या बोलते हैं पिक्चर देखना, मैं सेंट्रीफ्यूज मशीन का पिक्चर देखिए। इसमें क्या करते हैं, जो आपका जो मिल्क का जो सैंपल है, जैसे मान लीजिए ये सैंपल ले लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, मिल्क का सैंपल है उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं उस टेस्ट ट्यूब को हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं और उसके बाद में हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने का मतलब क्या होता है, हम उस स्विच ऑन करते हैं उस मशीन का, तो मशीन के अंदर कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो जो मटेरियल है जो आपने लिया है टेस्ट ट्यूब में वो मूव करता है सर्कुलर पाथ में, एकदम से ऐसे राउंड करता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में मिल्क है, तो उस मिल्क के अंदर क्या होगा, दो डिफरेंट लेयर्स बन जाएगी, दो डिफरेंट लेयर्स बन जाएगी। किसकी बनेगी, देखिए नीचे जो पार्ट है वो तो है हेवियर पार्ट, हेवियर पार्ट किसका, मिल्क का, हेवियर पार्ट है ये मिल्क का। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उस पार्ट में जो लाइटर पार्ट है, जो लाइटर पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्रीम। तो देखिए एक लेयर इसकी बन गई और उसके अंदर है आपका हेवियर पार्ट, और एक लेयर ऊपर बन गई जिसके अंदर है आपकी क्रीम। ठीक है, तो क्रीम को मिल्क से आइसोलेट या सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं हो और अगर हम इसको करना चाहें तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कभी चर्निंग का नाम सुना हो, चर्निंग जो पुराने जो विलेजेज हैं अभी भी, जो गांव है गांव में, मैं अभी भी ये मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ तक अभी सेंट्रीफ्यूज मशीन बहुत जल्दी से मींस वहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे नहीं पहुँची है। एंड वन मोर फैक्टर इज़ दैट इट इज़ कॉस्टली। सो एक छोटे से काम के लिए अगर आप इतना पैसा खर्च करके करेंगे तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड वाइज, बुद्धिमानी या जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो अब गाँव में क्या करते हैं, गाँव के अंदर क्या करते हैं, एक बड़ा सा अर्थन पॉट होता है, मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा सा घड़ा होता है ना, और उस घड़े के अंदर जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ा सा ऐसा घड़ा बनाता हूँ, ये एक कोई बड़ा सा ऐसे बड़ा सा पेट वाला एक घड़ा होता है, कैसा है दिखने में देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर डालते हैं, और उस स्ट्रक्चर के पास में तीन या चार उसके स्ट्रक्चर होती है ऐसी वाली, उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम किसी बाहरी सोर्स से इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं कैसे भी करके स्पीडली। ठीक है, और ये जो मेथड है इसको जैसे हम ऐसे करके इस मेथड से यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं चर्निंग। इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, ऑफ कोर्स इसका यूज़ क्या है, चर्निंग जो गांव में चर्निंग करते हैं उसको क्यों करते हैं, जो दूध होता है उसको रात को क्या करते हैं गांव में,
जमा देते हैं, गांव में क्या कर देते हैं उसको जमा देते हैं, और उसके बाद में फिर उसका क्या करते हैं, सुबह दही बनता है, और दही बनने के बाद में फिर उसमें से क्या करते हैं, घी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? घी। और ये जो क्रीम है ये क्या है, ये ही घी बनाने में काम आती है। तो ऐसे मान लीजिए कि इसमें से क्रीम निकालते हैं, इसमें से क्रीम बाहर निकालते हैं, ठीक है, और फिर इस क्रीम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, घी बन जाता है, घी, ठीक है। तो ये मेथड है, इसको हम बोलते हैं चर्निंग। और ये जो काम होता है ये अभी भी विलेजेस में, जो गांव है वहाँ पर ऐसा अभी भी होता है, ठीक है, मैंने भी देखा है, मैंने भी ऐसा किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर जो यूज़ किया गया है मेथड है, अच्छा इसका एक और मेथड है, आजकल तो क्या है कि छोटा सा एक डिवाइस आता है किचन के लिए, चर्नर बोलते हैं जिसको, छोटा सा, तो उसके अंदर भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि देख सकते हैं आप पिक्चर में चर्नर कैसा होता है, तो ये मेथड जो है, ये चर्नर जो है वो भी सेम वही काम करता है जो चर्निंग या जो सेंट्रीफ्यूज मशीन काम करती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है, यस कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि जो हैवियर कंपोनेंट होगा, हैवियर कंपोनेंट होगा, उस हैवियर कंपोनेंट को ये जो मशीन होती है वो क्या करती है, बॉटम की तरफ फेंक देती है, मतलब बॉटम की तरफ आइसोलेट कर देती है, और जो लाइटर कंपोनेंट होता है, लाइटर का मतलब हल्का, तो जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर टॉप पे आ जाता है। यानी इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल्क जो क्रीम है वो जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और इसमें देखें तो क्रीम जो है वो ऊपर की तरफ, हैवियर पार्ट नीचे की तरफ, ये होता है सेंट्रीफ्यूज। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है, सेंट्रीफ्यूज का एप्लीकेशन पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस इसी से पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशंस। तो देखिए कुछ एप्लीकेशंस है जो आपको याद रखने हैं। जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी कारण से तबीयत खराब होने पर, और अगर डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है, किसके लिए बोलता है, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, तो यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो क्लिनिक के ऊपर या जो भी पर्सन होता है लेबोरेटरी के अंदर, वो क्या करता है, आपकी जो ये है फिंगर है यहाँ से क्या करता है आपका, वो कुछ ब्लड निकालता है विद द हेल्प ऑफ नीडल, और फिर उस ब्लड को क्या करता है वो उस ब्लड को क्या करता है, एक पर्टिकुलर छोटी सी एक उनके पास टेस्ट ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, टेस्ट ट्यूब नहीं बोल सकते क्योंकि टेस्ट ट्यूब में तो ज़्यादा ब्लड चाहिए, छोटा सा होता है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर डालते हैं। यूरिन के लिए आपको पता ही है, यूरिन का सैंपल मांगते हैं वो लोग, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं यूरिन को, और फिर उसके बाद में जो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो आप देख रहे हैं उसके अंदर वो रख देते हैं और उसको वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है, यूरिन का जो सॉलिड पार्ट है या ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, और फिर उसे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कितना है, ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डायग्नोस करते हैं डॉक्टर्स, और डिसीज जो है, जो बीमारी है उसका पता लगाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायग्नोस करना, ठीक है। तो कोई भी डिजीज होती है उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें टेस्ट बोलते हैं कि टेस्ट करवाओ, ये वाला टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ये सब टेस्ट किस लिए होते हैं, सो दैट वी कैन नो दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इन द ब्लड और इन द यूरिन, अगर एक्सेस है तो बीमारी, कम है तो बीमारी, ऑप्टिमम लेवल पे ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, दूसरा तो हमने देख लिया ये वाला, घरों में जो हम यूज़ करते हैं मिल्क जो होता है उसके अंदर हम जो क्रीम सेपरेट करते हैं, इसके अलावा इसी मेथड का यूज डेयरीज में भी करते हैं, जो मिल्क की डेयरीज होती है बड़ी बड़ी जहाँ पे मिल्क का कलेक्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, तो देखिए इसका सेकेंड यूज हो गया होम्स में, घरों में, डेयरीज में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है इसका, यस वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है, वॉशिंग मशीन में,
लास्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वॉशिंग मशीन ही बताना था, ठीक है? शायद ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। तो वॉशिंग मशीन में भी ऐसा ही होता है। अब वॉशिंग मशीन तो सभी ने ऑलमोस्ट सब ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप सब कुछ डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, और इसके अलावा कुछ जो क्या बोलते हैं इंडिगो जो डालते हैं वो भी डाल देते हैं। उसके बाद फिर उसको हम जो उसका कवर होता है उसको बंद करके स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, अंदर उसमें मोशन होता है, ये वाला मूवमेंट होता है। कभी वो ऐसे ऐसे मूव करती है, कभी कभी वो इसका अपोजिट मूव करती है, ठीक है? तो ये सब मेथड क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड है। और फिर उसमें जो है कपड़ा है वो अच्छे से वॉश होता है, ठीक है? तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन और एवापोरेशन। हमने आज दो मेथड्स डिस्कस किए हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको रेगुलरली वॉच कीजिए, ठीक है? रिवीजन पर्पस के लिए और एग्ज़ाम के पर्पस के लिए भी इनको तैयार कीजिए। और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसके नोट्स बनाइए, सभी के रिटन नोट्स बनाइए, और उनको जो अपने आपके जो टीचर्स हैं उनको दिखाइए, ठीक है? रेगुलरली उनको दिखाइए सो दैट दे कैन कम टू नो दैट व्हाट आर यू मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।